पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर 2 और सदस्य पद पर कुल 8 लोगों ने भरा पर्चा। आसन्न पैक्स चुनाव के लिए डंगरा चौक प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से अध्यक्ष पद पर 2 दावेदारों ने पर्चा भरा है, तो सदस्य पद पर कुल 8 दावेदारों ने अपना पर्चा भरा है। जानकारी देते हुए डंगरा चौक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि तिनटंगा दियारा से अध्यक्ष पद पर 1 दावेदार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बनिया वैसी पंचायत से सदस्य पद पर 4 लोगों ने अपना पर्चा भरा है। मंदरौनी पंचायत से अध्यक्ष पद पर 1 और सदस्य पद पर कुल 4 लोगों ने अपनी दावेदारी दी है। रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया 161 लोगों का वैक्सीनेशन। रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 161 लोगों का कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि कुल 200 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीनेशन किया जाना था, लेकिन 39 लोग अनुपस्थित रहे। डॉक्टर रंजन ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद सबों की स्थिति सामान्य थी। रंगरा PHC में किया गया कोरोना चेक, 151 लोगों का हुआ रैपिड एंटीजन और 51 लोगों का हुआ RT-PCR। रंगरा PHC में किए गए कोरोना जांच में एक भी रोगी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। रंगरा PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि रैपिड एंटीजन किट से कुल 151 लोगों का जांच किया गया, जिसमें सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 51 संदेहास्पद लोगों का RT-PCR किया गया। डॉक्टर रंजन ने कहा कि RT-PCR किए गए 51 लोगों का सैंपल भागलपुर लैब भेजा गया है, रिपोर्ट 2 दिन बाद घोषित किया जाएगा। रंगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस और ट्रक की टक्कर में बस के खलासी की मौत, बाल बाल बचे बस पर सवार सभी यात्री। रंगरा के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 चौक पर मुरली गांव के समीप एक बस और एक ट्रक की टक्कर में बस के खलासी की मौत मौके पर ही हो गई है, जबकि बस पर सवार 2 लोगों के घायल हो जाने की सूचना है। मृतक की पहचान वैशाली जिले के फातेपुर थाना क्षेत्र के मालपुर निवासी 35 वर्षीय गोविंद कुमार के रूप में की गई है, जबकि घायलों में बलिया जिले के 19 वर्षीय सन्नी कुमार और खगड़िया जिले के महेश खूंट निवासी चंद्रशेखर चौधरी शामिल हैं। घायलों का इलाज रंगरा PHC में करवाया गया है। जानकारी मिली है कि इस हादसे में बस पर सवार करीब 20 लोग आंशिक रूप से घायल हो गए थे, जो घटना के बाद जख्मी अवस्था में ही दूसरे वाहनों पर सवार होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इधर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे परिजनों को सौंप दिया है। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। विवाह भवन 0 माइल NH-31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।